स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं और लिखते हैं, और ऑपरेटर क्या क्या होता है। ऑपरेटर के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स है। और इसमें दो होता है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब एक और बाइनरी का मतलब दो। यहाँ पे ये वन, यहाँ पे ये दो। तो जैसे कि सिंपल हमें वैल्यू लिखना है कि x प्लस 50, वाई माइनस 25, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जाके क्या लिख दिया हमने, y x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 25, बाकी प्रिंट कर देंगे, प्रिंट x, तो x की वैल्यू आ गई, प्रिंट y, तो y की वैल्यू आ गई। अब इसी में अगर हमको दो वैल्यू को जोड़ना हो तो वही हमारा फिर बाइनरी कहलाता है। कौन ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर। अब जैसे बाइनरी है तो इसमें दो को दो ऑपरेंड को हम जोड़ सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर यूज टू ऑपरेट टू ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, दो हो गया, एक दो, उसके लिए क्या यूज हुआ? ये ऑपरेटर यूज हुआ, तो ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। और इसमें बहुत सारे होंगे, जब दो का यूज करेंगे, दो ऑपरेंड्स को एक एक साथ यूज करेंगे तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर करेंगे, जब एक होगा तो यूनरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कितने ऑपरेटर्स कैसे यूज होता है उसके बारे में सीखेंगे, और कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।